गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में 11 से 13 जनवरी तक होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का मंडलायुक्त ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी जय नारायण सिंह, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मंडलायुक्त ने महोत्सव में आने वाले लोगों के बैठने, पार्किंग, महोत्सव के दौरान लगाए जाने वाले प्रदर्शनी के स्थलों, वाहनों के आने जाने के रास्तों सहित सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने में जुट जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर अमित गुप्ता ने कहा, पब्लिक आएगी, प्लाई वाला ले आऊंगी, यहाँ से पब्लिक की एंट्री होती है इस जगह से, क्योंकि यहीं पर हमारा जो है एनडीआरएफ का रहता है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, यहाँ क्लोज का, वहाँ क्लोज करते हो क्या सर? नहीं सर, वो जैसे वो वैसे ही रहता है, क्लोज कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्लोज तो करते होंगे, वो बैरिकेडिंग होती है वो पुलिस के द्वारा जो है वो गेट के जस्ट बाद जो है वो जी पूरी बैरिकेडिंग रहती है, ड्यूटी कर रहे हैं जी। तो यहाँ क्लोज कर देते हो कहाँ? गेट के, गेट के थोड़ा सा बात सर, जो गेट देख रहा है थोड़ा सा बात, जैसे कि कोई इधर से आना, इधर अगर एक एंटर है, ये पूरा हमारा एरिया में कवर रहता ही है, एग्जिट इसमें इस पूरे परिसर में एग्जिट के लिए बना रखा है कि अगर हाँ इन केस अगर हम यहाँ से क्या रहता है 15-16-17 जी, उसके पहले नहीं होता, नहीं बना रहे हो तो अगर स्प्रेड करके बनाते हो, खाली जगह छोड़ोगे फिर या खाली जगह छोड़ेंगे सर? कहाँ पे, किसके और इसके बीच में? हाँ इस इलाके में खाली जगह, हाँ सर इसी में तो, यहीं पर तो आपके एनडीआरएफ और ये लगेगी, तो सर्कुलेशन रहेगा? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ से भी लोग जा सकते हैं, यहाँ से जा ही रहे हैं सर, और यहाँ से भी जा रहे हैं जी सर, ये ऐसे ही जा रहे हैं, सर्कुलेशन एरिया प्रॉपर है, यहाँ से नहीं दे सकते हम सर्कुलेशन बीच में, यहाँ पे पीछे सर दे सकते हैं, फिर हमको ये शॉप इधर वाले लाइन लेन में ऐड करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा सर, नहीं फिर कई सारे रास्ते होते हैं, दो जगह जगह खाली करके जी सर, दो टॉप है नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ हमें लगा, यहाँ लगा दो दो हटा के, दो हटाएंगे तो सर कम पड़ेगी चौड़ाई, 6 मीटर मिल पाएंगे, एक मतलब निकलने का रास्ता जितना 10 मीटर तो एटलीस्ट चाहिए, लोग आते जाते अपने हिसाब से आते जाते रहेंगे ना, कोना बताओ नहीं नहीं सर उधर नहीं रहता, उधर सर वो फूड स्टॉल पर वो जो प्रिंटेड आता है प्रिंटेड महोत्सव का, अरे नहीं मतलब कौन किसको देना ये कौन वो तो सर जो डिसाइडेड है, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, फिर भी फाइनल कितने दस्तों से जा रहे, कोई तो होगा इशू करने वाला, अरे स्पॉन्सर जो आते हैं और उनको जो डिसाइडेड है कि आपको कार पास दो देना है, क्यों देना, जो मिलता है बस वही देते हैं, और यहाँ से सर बिल्कुल लेके वो मुर्गा जाली वाली सर वो बैरिकेडिंग करके जैसे आपने बताया था, एक गेट और है हमको बता दो कॉलेज से ही सर, ऐसे मान लीजिए तो टेढ़े करके जाकर एक जी सर, जिस फिर तक जब सीट फुल हो जाए उसके बाद क्या करें, अगर अंदर आ जाए लोग अपने आप लोग बैनर लगा देंगे, ड्यूटी पास वहाँ ले जाएंगे, सरकारी वाहनों के लिए इधर, और फिर यहाँ तो उनको कैसे वॉक हो जाएंगे, और पब्लिक तो यहाँ भी जाएगी, पैदल वाले जा सकते हैं, पैदल वाले जा सकते हैं, वाहन जो आएगा
बाउंड्री वॉल है उधर एक्सटेंड है। बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी पहले लग जाती है उधर कौन सा होगा पहले को पता है थोड़ा सा गेट यहाँ से ज़्यादा हो बॉलीवुड वाला बता रहे हैं कैमरा बढ़ाना हो तो बढ़ा लो थोड़ा, एंट्री और एग्जिट पे कैमरा लग जाए ठीक है। देखिए पूरा एरिया कवर हो कैमरे से, पूरा एरिया लाइट से कवर हो सर, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ लगाएंगे वहाँ लगाएंगे ठीक है। जिस रूट से लोग निकल रहे हैं ये हमारी प्लानिंग का पार्ट है, ये रूट यहाँ से बन सकता है। उत्सव की तैयारी है तो जो ग्राउंड है जहाँ सारी चीज़ें होंगी, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, लोगों के आने जाने की व्यवस्था, उसको देखा गया कैसे इस चीज़ को और बेहतर बनाया जा सके जिससे लोगों को कम से कम दिक्कत हो।